सफलता का रहस्य जो कोई नहीं बताता। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस टॉपिक को, इस विवरण को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारा तो 100% आप सफल होने वाले हैं। क्योंकि सफलता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी है, सफलता हर एक उस इंसान के लिए बनी है जो सफल होना चाहता है, जो अपने कार्य पे फोकस करता है, जिसको जीवन में कुछ पाना है, उस सभी लोगों के लिए सफलता बनी है। तो आइए मिलके और सफलता के कुछ नियम पे बातें करते हैं। एक पक्षी अपने जीवन में कैसे सफल होता है और उस पक्षी से हम हमारे जीवन में कैसे सफलता को उतार सकते हैं, तो आइए हम सभी मिलके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? आसमान में आजादी से उड़ना, अपने आप का संतुलन बना के रखना मन को मुक्त कर देता है। क्या आप देख पा रहे हैं इन पक्षियों को उड़ता देख? कभी आपके मन में भी इच्छा जागृत होती होगी कि हम भी इस खुले आसमान में स्वतंत्रता से उड़ पाए? आपके मन में ईर्ष्या होती है ना कि क्यों नहीं हम भी इन पक्षियों की तरह इस खुले आकाश में विचरण कर पाए? पर कभी आपने सोचा है इस उड़ान को, इस ऊंचाई को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा इन पक्षियों ने? कभी सोचा है आपने आकाश में उड़ने के पहले इस पृथ्वी पे कितने संघर्ष से गुजरे होंगे ये? इनके माता पिता ने जब इनको उड़ना सिखाया होगा, जब पहली बार पंख फड़फड़ाना सिखाया होगा, तो कितनी बार गिरे होंगे ये? क्या आपने कभी ये सोचा है इस स्वतंत्रता की उड़ान के पीछे कितना संघर्ष छुपा हुआ है? और हाँ, पहली बार आसमान में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इनको, और पहली बार वापिस पृथ्वी पे उतरते समय कितनी बार गिरे होंगे ये, कितनी चोटें खाई होगी इन्होंने? क्या कभी ये सोचा है आपने इस स्वतंत्रता का, इस उड़ान का यह मोल है? क्या आप इस मोल को दे सकते हैं? क्या आप इस संघर्ष को कर सकते हैं? तो बेशक आप भी स्वतंत्रता से इस भरे आसमान में, इस सफलता के आसमान में बड़ी ऊंचाई से, बड़ी बुलंदी से उड़ान भर सकते हैं। और हाँ, इन पक्षियों के भांति जब भी अपने चारों ओर किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, अपने मन में उसके प्रति जलन को पैदा ना करें, सिर्फ ये देखें उसकी सफलता के पीछे कितना संघर्ष छुपा हुआ है, कितना दर्द छुपा हुआ है। और ये भी सोचें कि उस व्यक्ति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने दर्द को सहा है। ये सारी चीजें अगर आपने सोच ली तो 100% आप भी सफल हो सकते हैं। और हाँ, बांसुरी को कभी देखा है आपने? उसकी मधुर धुन सुन के सभी मुक्त हो जाते हैं, पर उसकी पीड़ा को देखा है आपने कभी? उसने अपने आप को बांस से बांसुरी के अंदर ढालने के लिए कितनी पीड़ा को सहन किया है, अपने सीने में कितने छेद करवाए हैं उसने? क्या कभी उसकी पीड़ा को समझा है आपने? पीड़ा सह सह कर इसके अंदर से सुर निकलते हैं और जो मन को शांति देते हैं। और इसी प्रकार एक पत्थर को देवता बनने के लिए छेनी और हथौड़ी से कितनी बार मार सहन करनी पड़ती है, क्या उस दर्द को देखा है आपने? और वो पत्थर हजारों बार छेनी और हथौड़ी से ठोका जाता है,
उसका सुंदर रूप तब निखरता है और उसके बाद उस पत्थर की पूजा होती है। तभी एक नए अस्तित्व का निर्माण होगा और शक्ति पाने के लिए पीड़ा पाना बहुत अवश्य है। और अगर आप पीड़ा से भागने लग गए तो आप शक्ति नहीं पा पाओगे। ये आप पे निर्भर है, आपको बांस बन के रहना है या बांसुरी, आपको पत्थर बन के रहना है या सुंदर देव की मूर्ति, और ये सभी निर्णय आप स्वयं करेंगे। आपको किस रूप में अपने आप का निर्माण करना है, फिर रिपीट करूंगा, बांस के रूप में या सुंदर सुरीली बांसुरी के रूप में, ये सभी आपके ऊपर निर्भर हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको पीड़ा को भोगना होगा, अपने आप को तोड़ना होगा, ठोकना होगा, बजाना होगा और हर वो रास्ते से गुजरना होगा जहां आपको पीड़ा प्राप्त हो, तभी आप एक शक्तिशाली सफल पुरुष बन पाएंगे। ये सभी आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।